इंडियन टाइम्स डेली में आपका फिर से स्वागत है और भारत की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार है। शनिवार को एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आरजेडी चीफ एंड बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद और 15 दूसरे लोगों को लाखों के फ्रॉडर स्कैम में अपराधी घोषित किया। 3 जनवरी को सीबीआई कोर्ट सजा सुनाएगी और तब तक के लिए लालू को जेल भेजा गया। जब लालू प्रसाद को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, उत्तेजना में आकर आरजेडी के वर्कर्स ने पुलिस की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। 23 दिसंबर को राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर गए थे और उन्होंने वहां पर पूजा की। फिर उन्होंने राज्य के पार्टी लीडर्स और चुनाव के उम्मीदवारों के साथ मीटिंग की। राहुल गांधी के कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने और गुजरात स्टेट असेंबली इलेक्शंस के बाद गुजरात का यह उनका पहला दौरा है। जम्मू एंड कश्मीर के रजौरी डिस्ट्रिक्ट के लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिस वजह से इंडियन आर्मी के 3 सैनिक की मौत हो गई। मारे गए में से एक मेजर प्रफुल्ल कुमार हैं, जो कि 120 इन्फेंट्री ब्रिगेड के थे। इंडियन आर्मी इसका बहुत करारा जवाब दे रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी दशा को बदलने के लिए वचनबद्ध है और काफी सारी योजनाओं पर काम कर रही है। एक आयोजन में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने कहा कि आजादी के इतने सालों बाद भी किसानों की हालत पर उन्हें दुख होता है। दिल्ली बीजेपी चीफ मनोज तिवारी ने कहा कि राज्य के बेघरों के प्रति मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रवैया निंदनीय है और उनकी सरकार गरीबों के प्रति उदासीन है। शनिवार को पार्टी के विधायक मनजिंदर सिरसा और आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा के साथ तिवारी ने फुटपाथ पर सोने वाले लोगों से मुलाकात की और उन्हें कंबल बांटे और कहा कि वे इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। शनिवार को कांग्रेस ने कहा कि सीबीआई नरेंद्र मोदी सरकार के पालतू तोते जैसा काम कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि इसका सबसे बड़ा सबूत 2G केस है। 1556 पन्नों के फैसले के अपलोड होने से पहले ही सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने घोषणा कर दी है कि वे अपील करने वाले हैं। राजस्थान में डॉक्टर्स ज्यादा पे प्रमोशन और शिफ्ट चेंजेस के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, उसका समर्थन करते हुए शनिवार को एम्स के डॉक्टर बॉडी ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक दिन के लिए एक सरकारी डॉक्टर बनने के लिए निमंत्रण दिया है, ताकि वे उनकी तनाव और बेबसी को समझ सके और हेल्थ केयर सिस्टम में जो हो रहा है वे भी जान सके। उन्होंने उन्हें ये भी समझने के लिए बोला कि सरकारी हॉस्पिटल में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और इमरजेंसी सिचुएशन में मरीजों के परिवार वालों के हरकत की वजह से कितना तनाव होता है। गाजियाबाद में एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी पर हुए हंगामे में पुलिस के साथ मुठभेड़ करने और दंगा भड़काने के आरोप में बीजेपी और दूसरे हिंदू संगठनों के करीब 100 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें दर्जन भर नेता भी थे। इस भीड़ ने इस शादी को लव जिहाद बताकर महिला के घर के बाहर धरना दिया और यातायात भी बाधित कर दिया। शनिवार की सुबह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक बस बनास नदी में गिर गई, जिससे 33 लोगों की मौत हो गई और करीब 2 दर्जन घायल हो गए। गवाहों के अनुसार डूबी गांव के पास सुबह 7:45 बस का 40 वर्षीय ड्राइवर काफी तेजी से चला रहा था और पतले से ब्रिज पर दूसरे वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था कि उसका नियंत्रण छूट गया और बस 100 फीट नीचे नदी में गिर गई। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है ने अपने पहले दिन में 34 करोड़ के करीब कमाया। इसने धूम 3 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसमें आमिर खान थे और वह भी यशराज प्रोडक्शन का ही था। डायरेक्टर अली अब्बास जफर और पूरी यशराज टीम लोगों के रिस्पॉन्स से काफी ज्यादा खुश है। हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों, हम कनाडा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।